दोस्तों, अगर आप एबी डिविलियर्स को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, अभी इंग्लैंड में वर्ल्ड कप का खुमार भी नहीं उतरा था कि लॉर्ड्स के मैदान में एबी डिविलियर्स ने तूफानी पारी खेलकर अपने चाहने वालों को खुश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 के फौरन बाद इंग्लैंड में मशहूर लीग T20 ब्लास्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पहला मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एसेक्स और मिडिलसेक्स के बीच खेला गया। इस मैच में अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। डिविलियर्स ने इस बारिश से अपने फैंस को पुराने दिनों की याद दिला दी। आपको बता दें, मिडिलसेक्स के तरफ से खेलते हुए एबी डिविलियर्स ने मात्र 43 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 88 रन की धुआंधार पारी खेली। आपको बता दें, डिविलियर्स के इस अर्धशतक की बदौलत मिडिलसेक्स ने एसेक्स को आसानी से 7 विकेट से हरा दिया। डिविलियर्स ने अपनी पारी के दौरान पहले 17 गेंदों में मात्र 15 रन बनाए थे, लेकिन बाद में मिस्टर 360 अपने पुराने अंदाज में दिखे और एसेक्स के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ के रख दी। और इसके बाद डिविलियर्स ने 253 के स्ट्राइक रेट से 28 गेंदों में पूरे 71 रन बना लिए। आपको बता दें, 35 वर्षीय इस बल्लेबाज ने अपनी इस पारी से बता दिया कि उनके अंदर अभी भी बहुत सी क्रिकेट बाकी है। इस मैच में एसेक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 164 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मिडिलसेक्स ने डिविलियर्स के तूफानी पारी की बदौलत 17 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।